अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कंटेंट्स बाय एमन इरफान। जैसे कि आप लोग जानते हैं, भी रिसेंटली 8 मार्च को वुमेंस डे सेलिब्रेट किया गया, जैसे कि हर साल किया जाता है। आज मुझे एक जगह जाने का इतफाक हो रहा है जहाँ पे बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक सेमिनार अरेंज किया गया, एक इवेंट अरेंज किया गया है। एपिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसे अपॉर्चुनिटी क्लब और वाइस ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। वाइस बेसिकली एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो रिप्रेजेंट करता है वुमेन इन स्ट्रगल फॉर एम्पावरमेंट के लिए। आइए चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि हमें वहाँ पर क्या सीखने को मिलता है। मैं इवेंट के लिए पहुँच चुकी हूँ और जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है मेरे पीछे एक नेम वुमेन इन लीडरशिप। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि बेसिकली वुमेन इन लीडरशिप में आती कब है, जब वो किस तरह से अपने हकूक व फ़राइज़ सबको अच्छे तरीके से पूरा करती हैं और हर चीज़ का ख्याल रखते हुए अपने घर को भी संभालती हैं। यहाँ मैं आप लोग के साथ कुछ पिक्चर शेयर करूँगी जो कि इवेंट से रिलेटेड हैं। ये है सर शहजाद रोशन गिलानी, जो कि CEO हैं ग्रोथ वेंचर्स के, और इसके अलावा बहुत से इल्मी और अदबी इदारों के साथ मुंसलिक हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को होस्ट किया। मैं बात की जाए सर नवीद असलम मलिकी, तो वो CMO हैं ग्रोथ वेंचर्स के एंड फाउंडर ऑफ PCF हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया। मुख्तलिफ स्पीकर्स ने इस इवेंट में शिरकत की और उसके बाद अपने ख्यालात का इजहार किया। उसके बाद उन्हें अपॉर्चुनिटी क्लब और वाइस की तरफ से टोकन ऑफ थैंक्स पेश किया। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले मर्द हजरात ने यह बात साबित कर दी कि औरत जितनी भी तरक्की कर ले, उसके लिए मर्द की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर मर्द और औरत एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ें तो हमारा माशरा तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। आइए अब जानते हैं हमारे आज के खसूसी मेहमानों के बारे में। मेहमान खसूसी में शामिल हैं एडवोकेट मिस फिज़ा कामरे, मिस रायना खान CEO ऑफ ज़िनाना फाउंडेशन, पेट्रन इन चीफ ऑफ अपॉर्चुनिटी क्लब मिसेस जमीला कामरे, मिस लाइन हिजाब मजहर चार्टर प्रेसिडेंट लाहौर इकरा लाइन्स क्लब, मिस सईदा रोजी रिजवी एग्जीक्यूटिव मेंबर अपॉर्चुनिटी क्लब, मिस लालमा खान CEO ऑफ लालमा खान फाउंडेशन, मिस रुखसाना जफर प्रेसिडेंट ऑफ WCCI लाहौर, चीफ गेस्ट मिस मुसर्रत जमशेद चीमा स्पोक्स पर्सन पंजाब गवर्नमेंट, मिस्टर नवीद असलम मलिक CMO ग्रोथ वेंचर्स एंड फाउंडर PCF, मिस्टर सैयद हैदर काजमी CEO ऑफ हैदर सैयद फोटोग्राफी एंड फिल्म्स, मिस बुशरा खालिद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वाइस, मिस्टर गुलाम अली CEO ऑफ इल्म की दुनिया, मिस्टर एहसन कामरे CEO ऑफ अपॉर्चुनिटी क्लब, मिस्टर शाहिद इकबाल मैनेजर प्रोग्राम्स WISE। अब मैं इवेंट से फ्री हो चुकी हूँ, मैं घर जा रही हूँ। घर जाके आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी यहाँ पे क्या सीखने को मिला और क्या नहीं। जाते जाते मैं आप लोगों के साथ कुछ यादें यहाँ की शेयर करना चाहूँगी। वेलकम बैक, मैं इवेंट से घर आ चुकी हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूँ कि मुझे वहाँ पर क्या सीखने को मिला और क्या नहीं। सीखने की बात की जाए तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोग के साथ शेयर करना पसंद करूंगी। बात की जाए इंसान की तरक्की की, वो मर्द की तरक्की हो या वो औरत की तरक्की, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान खुद डिटर्मिन हो, अपने फ़ैसलों पर डिटर्मिन हो, अपनी मंजिल के लिए डिटर्मिन। बात की जाए डिटर्मिनेशन की, तो सिर्फ डिटर्मिनेशन से या अपने फ़ैसले पर साबित कदम रहने से मंजिलें हासिल नहीं की जाती। इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान सच्चे दिल से और पुख्ता इरादे के साथ उस मंजिल पर चले, में उसके लिए मेहनत करें। किसी भी इंसान की तरक्की की बात की जाए तो उसके लिए सपोर्ट बहुत मैटर करती है। उसके घर वालों की सपोर्ट, उसके दोस्तों की सपोर्ट, उसके अपनों की सपोर्ट बहुत मैटर करती है। इसी तरह अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। अप्रिसिएशन एक्चुअली इंसान को मोटिवेट करती है कि वो कुछ कर दिखाए, कुछ नया करे। तरक्की के लिए कुछ और चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें साबित कदमी बहुत ज़रूरी है। आपका अपने फ़ैसले पर डिटर्मिन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें रिस्क लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम लोग गलतियाँ नहीं करेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान दूसरों की ज़िंदगी से, तजर्बात से, उनकी गलतियों से सीखता है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जब तक इंसान उसमें खुद ठोकर नहीं खाता, वो सीख नहीं पाता। इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने आप को इतना मज़बूत बनाए, वो औरत हो या वो मर्द हो, वो ख़ुद को इतना मज़बूत बनाए कि उसमें इतना जज्बा हो कि वो कहे कि हाँ, अगर गलती हो जाएगी तो मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगा। ये नहीं कि आपने कोई काम किया, कोई रिस्क लिया, आप उसमें कामयाब नहीं हो सके तो आप खामोश होकर या मायूस होकर बैठ जाएं, बल्कि आपको
चाहिए कि अगर आप एक बार वो काम नहीं कर सके तो 10 बार कोशिश करें, मगर उस काम को करके दिखाएं, ताकि आपका अपना दिल मुतमईन हो जाए। अगर हम सीखने की बात करें तो इंसान बचपन से लेकर अपनी आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कभी अपनी ज़िंदगी से, कभी अपने इर्द गिर्द के लोगों से, कभी अपने तजर्बात से, तो कभी लोगों के तजर्बात से। आज हमारे साथ जो ख़वातीन मौजूद थीं वो हमारे लिए बायस फ़ख्र हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके फ़ैसले, उनका फ़ैसलों पर कायम रहना, उनका अपने लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा हमारे अंदर ये जज्बा पैदा करता है कि हमें इस मुल्क में रहते हुए किस तरह अपना एक किरदार अदा करना है। अब बात की जाए औरत मार्च के हवाले से, तो औरत मार्च वाले दिन तो सब लोग एहतराम करते हैं। औरत मार्च वाले दिन औरत का एक ख़ास तौर पर एहतराम किया जाता है, पर क्या फ़ायदा ऐसे वक्ती एहतराम का जो सिर्फ एक दिन का एहतराम हो? क्या खुदा ने औरत को इतना मामूली बनाया है कि इंसान या मर्द या दूसरी औरत सिर्फ एक दिन उसका एहतराम करे? हम लोग एक दिन एहतराम करके अगले ही पल सारा एहतराम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि खुदा ने औरत हो या मर्द दोनों को बहुत खूबसूरत बनाया है और दोनों को एहतराम के काबिल बनाया है। हमारे मुआशरे में देखा जाए तो इज़्ज़त की निगाह से सिर्फ अपने घर की औरत को देखा जाता है, अपने घर की माँ बेटियों बहनों को देखा जाता है, जबकि दूसरी औरतों का नाम मर्द हो या औरत फ़ख्र से अपने गुस्से में, अपने गुस्से को ठंडा करने की खातिर अपनी गालियों में इस्तेमाल करते हैं। हमारे लिए ये बात बाइस से शर्म है कि हम लोग एक मुसलमान मुल्क में होने के बावजूद, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के बावजूद औरतों का एहतराम करना नहीं चाहते। हम दूसरों की माओ बेटियों को वो इज़्ज़त नहीं देते जो अपने घर की औरतों के लिए चाहते हैं। अगर देखा जाए तो इसकी एक मेन वजह तरबियत है। हम लोग अगर देखें तो हम लोग तरबियत करते वक्त हर बात के लिए ज़्यादातर देखा जाए तो लड़की को समझाते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे बोलना है, ये करना है, वो करना है। क्यों? क्योंकि उसने आगे ससुराल में जाना है। जबकि अगर वही हर माँ अपने बेटे की तरबियत करते वक्त उसे ये सिखाए कि किस तरह हर औरत की इज्जत करना फ़र्ज़ है, ये नहीं कि सिर्फ घर की औरत की इज्जत करनी है, बल्कि घर से बाहर हो औरत या कोई भी हो उसकी इज्जत करना फ़र्ज़ है, तो कोई भी औरत इस मुआशरे में ख़ुद को गैर महफूज ना समझे। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर बात की जाए तो वक्त ख़त्म हो जाता है लेकिन अल्फाज ख़त्म नहीं होते। ये भी शायद एक ऐसा ही टॉपिक था। इस बात को अब इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं। आखिर में मैं PCF और इल्म की दुनिया के तमाम मेम्बर्स, स्पेशली सर नवीद और सर शहजाद को बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि उनकी वजह से मुझे एक ऐसा इवेंट अटेंड करने का मौका मिला जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।